आज का राशिफल द 14th of July 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 14 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और रविवार का दिन है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और शिव योग का संयोग रहेगा। अष्टमी तिथि रविवार शाम 5:27 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 3:54 से 5:30 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:32 में और सूर्यास्त शाम 6:58 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 2:55 से 2:43 तक है। आज रविवार का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:55 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल शाम 5:31 से शाम 7:11 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 14 जुलाई सूर्य मिथुन राशि में मौजूद है, साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि में मौजूद रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सूर्य को सूर्योदय के समय पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय पर सूर्य की उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूजा में सूर्य देव को जल, फूल, चावल, दिया, दूध और गुड़ के प्रसाद सहित समर्पित किया जाता है। सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो जीवन के उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य के शुभ स्थान पर होने से व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। रविवार को हमें क्या खाना चाहिए? रविवार के दिन चीनी या गुड़ की बनी हुई रोटी खाना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। 1. सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग की ड्रेस पहने। उसके बाद प्रथम पूज्य देवता गणपति बप्पा का ध्यान करें, ओम गम गणपते नमः जाप करते हुए। बाद में तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल, लाल गुड़हल और लाल गुलाब, काला तिल, अक्षत चावल मिलाकर ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 2. ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें और लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। 4. सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता के का ध्यान करें। सूर्य देव की आरती करते हुए 7 प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 5. सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए प्रातः काल उठकर सूर्य देव को नमन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 14 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है।
साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यह मिश्रित परिणाम इसलिए आएंगे क्योंकि कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी जबकि अन्य क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करेगा कि आप इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। सकारात्मक सोच और धैर्य आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आज आप अपने सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में रहेंगे। ये भावना न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपके सहयोगात्मक दृष्टिकोण से आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे और इससे संबंधों में और भी मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप विवाहित हैं और अपने जीवन साथी के साथ कुछ मुद्दों का सामना कर रहे थे तो आज आपको उन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। संवाद और समझ का आदान प्रदान आपको और आपके जीवन साथी को एक दूसरे के करीब लाएगा। ये दिन आपके लिए एक नया आरंभ का संकेत दे सकता है जहां आप अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। आपने जो धन उधार लिया था आप उसे उतार सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आपने किसी से ऋण लिया था तो आप आज उस ऋण को चुकाने में सक्षम होंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और आप अपने वित्तीय मामलों को अधिक संगठित और नियंत्रित तरीके से संभाल पाएंगे। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आज का दिन प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी अनुकूल है। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदने का विचार कर रहे थे तो आज का दिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए सही समय हो सकता है। ये निवेश आपके भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है और इससे आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा क्योंकि किसी प्रियजन को एक नई नौकरी मिल सकती है। ये सफलता न केवल उस सदस्य के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का कारण बनेगी। यह अवसर सभी को एकजुट करेगा और आप सभी मिलकर इस सफलता का जश्न मनाएंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। ये दिन कुछ क्षेत्रों में सफलता और संतोष लाएगा जबकि अन्य क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना और धैर्य पूर्वक काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपनी योग्यता अनुसार काम मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आज आपको अपनी क्षमता और कौशल के अनुसार काम करने का अवसर मिलेगा। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपनी योग्यताओं का सही मूल्यांकन करने का मौका देगा। अपने कार्यक्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं। आपको अपने सहयोगियों से कोई काम निकलेंगे तो वह भी आसानी से निकल जाएगा। आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग आपको अपने काम में सफलता दिलाने में मदद करेगा। उनके साथ मिलकर काम करना आज आपके लिए आसान और सफल होगा। ये टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण होगा जहां सभी लोग मिलकर काम करेंगे और लक्ष्य को हासिल करेंगे। आपको किसी काम के चलते यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा न केवल आपके काम को गति देगी बल्कि आपके लिए नए अवसर भी लेकर आएगी। यात्रा के दौरान आप नए लोगों से मिल सकते हैं और नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगी। आपको विरोधियों से सावधान रहना होगा। हालांकि आज का दिन आपके लिए अच्छा है लेकिन आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा।
हो सकता है कि वे आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करें या आपके बारे में नकारात्मक बातें फैलाएं। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें और सतर्कता बरतें। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज के दिन यदि आप घूमने फिरने या बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। ये जानकारी आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। अपनी योग्यता और सहयोग से काम में सफलता प्राप्त होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी और विरोधियों से सावधान रहकर आप अपने दिन को सकारात्मक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैरून। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ, शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन, शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनाई हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और जीवन के हर पहलू में उत्साह का अनुभव करेंगे। इस खुशनुमा माहौल का लाभ उठाते हुए आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको अपने भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग करनी होगी। आज का दिन आपके लिए योजना बनाने के लिए उपयुक्त है। ये समय अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट करें और उनके लिए एक ठोस योजना बनाएं। ये योजना आपकी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में ले जाएगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए भी अच्छा है। आप अपने प्रियजनों के साथ किसी सुंदर स्थान पर घूमने जा सकते हैं जिससे आप सभी के बीच संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। ये समय आपको एक दूसरे के करीब लाएगा और परिवार के साथ बिताए गए पल आपके लिए यादगार बनेंगे। आपको बिजनेस में मन मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने व्यापार में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा था। हालांकि इससे निराश होने की बजाय अपनी रणनीतियों पर ध्यान दें और उन्हें और मजबूत बनाने की कोशिश करें। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर रहेगा। आज आप आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। ये समय आपको आत्मचिंतन और आत्मविकास के लिए भी प्रेरित करेगा। आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से हो सकती है। ये मुलाकातें आपके जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। इनके साथ संबंध बनाकर आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने किसी काम को कल पर टालने से बचे, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या आएगी। आज किसी भी काम को कल पर टालने से बचे। जो भी कार्य आपके हाथ में है उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। विलंब से न केवल आपके काम में बाधा आएगी बल्कि इससे आपका मनोबल भी प्रभावित हो सकता है। समय की पाबंदी और नियमितता बनाए रखने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए संतुलित और खुशनुमा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताएं, भविष्य की योजना बनाएं, धार्मिक कार्यों में भाग लें और अपने काम को समय पर पूरा करें। इससे आपका दिन सफल और संतोषजनक रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग लेमन। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती है। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा लेकर आएगा। आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का अनुभव करेंगे और अपने आसपास के माहौल को और अधिक आरामदायक और समृद्ध बनाएंगे। आपके घर और कार्यस्थल पर ऐसी वस्तुओं का आगमन हो सकता है जो आपकी दिनचर्या को अधिक सुविधाजनक बना देंगी। आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि होगी। आपके कार्यों और प्रयासों को पहचान मिलेगी जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आपके वरिष्ठ और सहकर्मी आपकी मेहनत और समर्पण को सराहेंगे जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। आपका कोई धन संबंधित मुद्दा सुलझेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आपके पास कोई धन संबंधी समस्या थी तो आज उसका समाधान मिल सकता है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप अपने आर्थिक मामलों को अधिक संगठित और नियंत्रित तरीके से संभाल पाएंगे। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के विवाद और संघर्ष से दूर रहने की सलाह दी जाती है। चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, किसी भी स्थिति में विवाद से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। शांत और संयमित रहकर आप किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को टाल सकते हैं। किसी विशेष काम को लेकर आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी और आपके काम में नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगी। इस यात्रा के दौरान आपको नई जानकारियां और संपर्क मिल सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी साबित होंगे। आपका मन बाकी काम में लगेगा जिससे आपके काफी कम अटक सकते हैं। आज आपका मन बाकी सभी कामों में पूरी तरह से लगेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। आपके फोकस और समर्पण के कारण आपके कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। आज आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों का विस्तार होगा। आप नए और बेहतर संसाधनों का उपयोग करेंगे जिससे आपके जीवन में आराम और आनंद का अनुभव बढ़ेगा। ये समय आपको जीवन की भौतिक खुशियों का आनंद लेने का अवसर देगा। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। आज आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यस्थल या सामाजिक जीवन में एक प्रभावी और प्रेरणादायक नेता के रूप में उभरेंगे। इसके अलावा नवविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नन्हे मेहमान के आगमन की संभावना है जिससे उनके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए सुख सफलता और संतोष लेकर आएगा। अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएं, विवादों से दूर रहें और अपने जीवन में आने वाली खुशियों का स्वागत करें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी।
कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आज आपके व्यक्तित्व और प्रभावशाली छवि में वृद्धि होगी। आप अपने कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आज आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। ये यात्रा आपके लिए कई नए अनुभव और अवसर लेकर आएगी। यात्रा के दौरान आपको नई जगहों को देखने और नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके ज्ञान और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। आपको रोजगार की दिशा में कोई बेहतर अवसर मिलेगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं तो आज आपको एक बेहतर अवसर मिल सकता है। यह अवसर आपके पेशेवर जीवन में प्रगति और सफलता की नई राहें खोलेगा। अपने कौशल और योग्यताओं का सही उपयोग करके आप इस अवसर को भुनाने में सफल रहेंगे। जीवन साथी की सलाह आपके साथ खूब काम आएगी। आज आपके जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। उनके अनुभव और सुझाव आपके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी सलाह से आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य की ओर से शुभ सूचना मिल सकती है। आज आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये शुभ सूचना सभी के लिए खुशी और उत्साह का कारण बनेगी। इस खबर से परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं और मिलकर जश्न मना सकते हैं। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको बहुत ही तोल मोल कर बोलना होगा। आज आपको अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ संवाद करते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। संयमित और समझदारी भरा व्यवहार आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। आपका किसी काम को लेकर मन परेशान रहेगा। हालांकि आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा, लेकिन किसी विशेष काम को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। इस समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से खोजने का प्रयास करें। यदि आवश्यकता हो तो अपने करीबी लोगों से सलाह लें और शांतिपूर्वक निर्णय लें। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए सफलता, अवसरों और खुशियों से भरा रहेगा। अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का सही उपयोग करें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता है। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है।
शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियाँ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल। टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सुखमय रहने वाला है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में आज आपको संतोष और आनंद का अनुभव होगा। चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो यह आपके बजट को प्रभावित कर सकता है। वित्तीय योजना बनाकर और अनावश्यक खर्चों से बचकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित रख सकते हैं। आपके कुछ पारिवारिक मुद्दे आपके लिए समस्या बन सकते हैं। आज आपके परिवार में कुछ मुद्दे उठ सकते हैं जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप धैर्य और समझदारी के साथ इन समस्याओं का समाधान खोजें। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर संवाद करें और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। आप अपने मित्र के लिए कुछ रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। आज आपके किसी मित्र को आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है और आप उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी यह मदद आपके मित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे आपके रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण भागदौड़ लगी रहेगी। आज आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है जिसके कारण आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। उनकी देखभाल और चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए आपको अपना समय और ऊर्जा समर्पित करनी होगी। ये समय आपके धैर्य और प्रेम की परीक्षा भी ले सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आज आपका मन किसी विशेष कारण से अशांत रह सकता है। ये चिंता आपके काम या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकती है। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए शांतिपूर्वक सोचें और जरूरत पड़ने पर अपने करीबी लोगों से सलाह लें। आप संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे जिससे उन्हें भी खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए अपने बच्चों से किए हुए वादों को पूरा करने का होगा। ये वादा चाहे छोटा हो या बड़ा, इसे पूरा करने से आपके बच्चों के चेहरे पर खुशी आएगी और आपके बीच का संबंध और भी मजबूत होगा। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए सुख और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा। अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान दें, पारिवारिक मुद्दों का धैर्यपूर्वक समाधान करें और अपने प्रियजनों की देखभाल करें। अपने मन की शांति के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और आवश्यकतानुसार मदद लें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल। टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो बेहतर होगा। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है।
आपको अपने आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। एक संगठित वित्तीय योजना बनाकर चलने से आप अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको राजनीति में हाथ आजमाने का मौका मिल सकता है। आज आपके सामने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने का अवसर आ सकता है। यदि आप इस दिशा में रुचि रखते हैं तो ये समय आपके लिए नए द्वार खोल सकता है। इस अवसर का सही ढंग से लाभ उठाने के लिए अपनी योजना और रणनीति को स्पष्ट रखें। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो आप अवश्य करें। आज आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करें, इससे न केवल आप उन्हें राहत देंगे बल्कि आपके मन को भी संतोष और खुशी मिलेगी। यह मदद आपके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाएगी। आपको कुछ अजनबी लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आज आपको अजनबी लोगों के प्रति सतर्क रहना होगा। उनकी नीयत और इरादों को भलीभांति समझे बिना किसी भी प्रकार का भरोसा करने से बचें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और योजनाओं को अजनबियों से साझा न करें। संतान से जुड़ा कोई मुद्दा आपको समय रहते सुलझाना होगा। यदि आपके बच्चे के साथ कोई समस्या या मुद्दा है तो उसे समय पर हल करना आवश्यक है। आपके ध्यान और समर्थन से आपके बच्चे की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस मुद्दे को नजरअंदाज न करें बल्कि इसे प्राथमिकता के साथ हल करें। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए राहत भरा रहेगा। जो छात्र मानसिक और बौद्धिक तनाव का सामना कर रहे थे उन्हें आज इससे मुक्ति मिल सकती है। उनका अध्ययन और एकाग्रता बेहतर होगी जिससे वे अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जीवन साथी से आज उनकी कुछ अनबन हो सकती है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दोनों धैर्य और समझदारी के साथ बातचीत करें और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। आपसी समझ और संवाद से किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए संतुलन और सावधानी का है। अपनी आय और खर्चों का ध्यान रखें, जरूरतमंदों की मदद करें, अजनबियों से सतर्क रहें और पारिवारिक मुद्दों को समय पर हल करें। सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग भूरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्त्रोत का पाठ करें। शारदा स्त्रोत का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्त्रोत भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्त्रोत ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्त्रोत का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपके लिए एक शुभ समाचार आ सकता है। ये नौकरी का प्रस्ताव आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और आपके प्रयासों का फल देगा। इस अवसर को अच्छे से समझें और अपनी योग्यता के अनुसार निर्णय लें। जीवन साथी से आप कुछ पारिवारिक मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं जिस कारण आपके बीच रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच पारिवारिक मुद्दों को लेकर कुछ असहमति हो सकती है। इस स्थिति को शांतिपूर्वक और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। खुली और ईमानदार बातचीत से आप दोनों अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। आपको किसी से कोई वादा बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। आज किसी से कोई वादा करने से पहले अच्छी तरह सोचे। सुनिश्चित करें कि आप जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करने में सक्षम है। बिना विचार किए कोई वादा करने से भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
आपकी कोई प्रिय वस्तु खोने व चोरी होने की संभावना है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आज आपको अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज खो सकती है या चोरी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आज आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको मानसिक शांति और संतोष देगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से आपको आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा। समग्र रूप से आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मुद्दों को समझदारी से संभालने की आवश्यकता है। सावधान रहें, किसी भी वादे को सोच समझकर करें और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर मानसिक शांति प्राप्त करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें धन समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्री श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित परिणाम मिलेंगे, लेकिन समग्र रूप से ये दिन संतुलित और प्रगति के अवसरों से भरा रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। आज आप अपने वित्तीय मामलों को सुधारने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ये समय है अपनी आर्थिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का और निवेश या बचत के बारे में सोचने का। आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आपको यदि कोई चिंता थी तो वह भी आज दूर होती दिख रही है। यदि आपके मन में किसी प्रकार की चिंता या तनाव था तो आज इसका समाधान मिलने की संभावना है। आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा, जिससे आप अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मौसम के बदलाव का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मौसम के अनुसार कपड़े पहने, स्वस्थ आहार ले और पर्याप्त आराम करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और समय पर उपचार करें। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आज आपको ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। ये धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आज आपके परिवार के छोटे बच्चे आपसे किसी विशेष चीज की मांग कर सकते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलेगी और आपके बीच का संबंध और भी मजबूत होगा। आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वस्थ आहार लें, नियमित व्यायाम करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतों को शामिल करें ताकि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बच सके। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण कदम उठाएं, अपनी चिंताओं का समाधान खोजें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और परिवार के साथ समय बिताएं। सकारात्मक दृष्टिकोण और सावधानी से आप इस दिन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें।
पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक और उत्पादक रहेगा। आपके कई लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है, जिससे आपके मन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा। आपका जो काम काफी लंबे समय से रुका हुआ था वह आज पूरा होने की संभावना है। आज आपके कई पुराने और रुके हुए कार्यों में प्रगति हो सकती है। आपके प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है, जिससे आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने बॉस से सराहना मिल सकती है। आपके काम और समर्पण को देखकर आपके बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। ये सराहना न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि आपके करियर में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप अपने कामों को लेकर कोई लापरवाही न बरतें। आज आपको अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा। आपका समर्पण और मेहनत ही आपके सफल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे, जिससे लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय पर और पूरी तरह से निभाएंगे। इससे परिवार के सदस्यों का आपके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आज आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करें, इससे आपको आत्मिक संतोष मिलेगा और आपके सामाजिक संबंध भी मजबूत होंगे। आपके मन में यदि किसी काम को लेकर उलझन चल रही है तो उसमें आप किसी बड़े सदस्य से सलाह मशवरा अवश्य लें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है और आपकी उलझन दूर हो सकती है। समग्र रूप से आज का दिन आपके लिए सफलताओं और संतोष का रहेगा। अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करें, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बने और आवश्यकता अनुसार सलाह लेने से संकोच न करें। आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगी। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग मटमैला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक और सकारात्मक रहेगा। आपको किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये समय अच्छा है अपने निवेशों की नई रणनीतियों को अपनाने का। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई मन मुताबिक काम मिलने से उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगने की आवश्यकता है और अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहना होगा।
किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बातों में न उलझे और अपने काम पर समर्थन केंद्रित रहे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके लिए शिक्षा और ज्ञान की दिशा में ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने अध्ययन को प्राथमिकता दें और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। इस दिन को सकारात्मक और समृद्धशाली बनाने के लिए अपने उद्देश्यों की ओर मेहनत करें और अपने कार्यों में पूरी मेहनत और समर्थन दें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपको जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और सुख शांति का माहौल बनेगा। आपको किसी भी काम को करने से पहले उसके नियमों और नीतियों पर पूरा ध्यान देना होगा जिससे आपको सफलता मिले। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फलदायी रहेगा। आपकी निवेश संबंधी योजनाएं सफल हो सकती है। इस समय में नए निवेश की तैयारी करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके बच्चे के करियर को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में सही सलाह देने का प्रयास करें और उन्हें समर्थन प्रदान करें। आप दोस्तों के साथ साथ आज कुछ समय मौज मस्ती करने में भी व्यतीत कर सकते हैं जो आपके लिए रिक्रिएशनल और सोशल जीवन को बढ़ावा देगा। इस दिन को आप पूरी तरह से आनंद लेकर बिताएं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग लेमन। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ, सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो।
यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।